सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका जवाब दे पाना नामुमकिन है। लोगों की माने तो साउथ इंडिया का एक एयरपोर्ट हॉन्टेड है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फ्लाइट नंबर AE-162 अब प्रस्थान के लिए तैयार है। नवीन पेशे से एक टीवी जर्नलिस्ट है और खबर की सच्चाई तक पहुंचना उसकी आदत। बाथरूम में नवीन की मुलाकात एक आदमी से हुई जो देखते ही नवीन को पहचान गया। हाथ धोते धोते उस आदमी ने कहा, सर अगर मेरी याददाश्त कमजोर ना हो तो आप वही टीवी जर्नलिस्ट है ना जब मैं थोड़े दिन पहले अपने चैनल पर दिखाया था कि ये एयरपोर्ट हॉन्टेड है। बुरा मत मानिएगा सर, आपके वो भूत वाले वीडियोस देखकर ना मेरे बच्चे को भी डर नहीं लगा। वो हिलता हुआ बक्सा और लिफ्ट में किसी की परछाई, सर मुझे ना सब वीडियो इफेक्ट्स का कमाल लगा। नवीन ने गहरी सांस ली और फिर कहा, बेशक आपने जो देखा वो वीडियो इफेक्ट्स का ही कमाल था, क्योंकि उस रात जब मेरे साथ इस एयरपोर्ट पर वो घटनाएं हुई तो मैं उन्हें रिकॉर्ड करने की हालत में नहीं था। नवीन हाथ धोकर वेटिंग लाउंज में जाकर बैठा ही था कि भाई साहब उनके बगल में जा बैठे और बोले, सर अगर आपके पास वक्त हो तो जरा हमें भी बताइए कि आपने देखा क्या था। वैसे भी हमारी और आपकी एक ही फ्लाइट है, अभी 1.5 घंटे बाकी है हमारे ख्याल से। अपने को पैसेंजर की बातें सुन नवीन ने उसे बताना शुरू किया। मैं उस दिन बाथरूम में था जब मैं वॉश बेसिन में अपने हाथ धो रहा था। मैंने एक आवाज सुनी, एक टॉयलेट के अंदर से फ्लश की आवाज। मैंने शीशे में देखा कि बाथरूम का दरवाजा खोला और अपने आप बंद हो गया, पर बाथरूम के अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकला। मैंने आगे बढ़कर उस बाथरूम के दरवाजे को बाहर से अंदर की तरफ धकेला, दरवाजा पूरा खोला और मैंने देखा कि अंदर कोई नहीं था। उसी वक्त किसी ने दरवाजे को अंदर से बाहर की तरफ धक्का दिया। इस घटना के तुरंत बाद मैं बाहर आकर यहीं इसी सीट पर शायद वेटिंग लाउंज में बैठा ही था और अंदर घटी सारी घटना के बारे में सोच रहा था कि अचानक एक लड़की चीखती चिल्लाती हुई मेरे सामने से गुजरी। मैं पीछे की तरफ पलटा ये देखने के लिए कि उसके पीछे कौन है। वही लड़की फिर चिल्लाते हुए मेरे पास से गुजर गई। मेरे अगल बगल जितने भी पैसेंजर्स थे उनका कोई रिएक्शन ही नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि जो चीज मैंने देखी वो किसी और ने नहीं देखी। मैं दिन भर का थका हुआ था और मेरी फ्लाइट करीबन 2.5 घंटे लेट थी, इसलिए मुझे हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। जैसे ही मेरी आंख लगी मैंने मेरे कानों में एक आवाज सुनी, इस विमान में इमरजेंसी के दौरान 2 द्वार हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 8। मेरी नींद टूट चुकी थी। पलट कर देखा तो वहां ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जो मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करता। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इन सारी चीजों को फील कर पा रहा था, क्योंकि यहां आने का मेरा मकसद यही था कि मैं पता लगा पाऊं कि लोगों की कही हुई बातें कितनी सच है। मैं अपनी जगह से उठा और कॉफी लेने चला गया। कॉफी शॉप पर मैंने एक कॉफी ली, जिसके साथ कॉफी की शॉप पर काम करने वाले लड़के ने मुझे एक टिश्यू पेपर दिया जिस पर किसी का मोबाइल नंबर लिखा हुआ। मैंने तुरंत उससे टिश्यू पेपर बदल कर देने को कहा। नए टिश्यू पेपर पर कोई नंबर नहीं था। मैंने अपनी सीट पर आकर कॉफी खत्म करी और जैसे ही टिश्यू पेपर खोला तो वो नंबर वहां भी किसी ने पेन से लिखा था और ऊपर लिखा था हेल्प मी। न जाने मुझे क्या सूझी कि मैंने अपने सेलफोन से उस नंबर पर फोन कर डाला। फोन करने पर उधर से आवाज आ रही थी, ये आवाज मैं अपने फोन पर तो सुन पा रहा था पर ऐसा लग रहा था जैसे फोन कहीं अगल बगल ही बज रहा हो, क्योंकि फोन को कान से हटाने पर भी आवाज मैं साफ साफ सुन पा रहा था। मैंने उस आवाज को फॉलो किया तो पता चला कि आवाज
सामने रखे डस्टबिन से आ रही थी। शायद वो वहीं पर। मैं डस्टबिन के अंदर झांकने को जैसे ही झुका कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। पलट कर देखा तो कॉफी शॉप वाला लड़का था जो मुझे चेंज देने आया था। इसके बाद मैंने डस्टबिन में झांका तो वहां कोई फोन नहीं था। मैंने दोबारा उसी नंबर पर कॉल किया तो आवाज आई, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। फोन डिस्कनेक्ट करके मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा ही था कि मेरा फोन बज उठा। ये रिंगटोन तो मेरे पास था ही नहीं, तो ये मेरे फोन पर कैसे बजा? मैंने फोन उठाया और मैं हेलो हेलो करता रहा, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इससे पहले कि मैं फोन डिस्कनेक्ट करता कि मेरा ध्यान एक दूसरी आवाज की तरफ गया। मैंने एक लड़की को चीखते चिल्लाते और भागते हुए देखा जो सीधे जेंट्स वॉशरूम में घुस गई। न जाने मुझे कहां से इतनी हिम्मत आई कि मैं दौड़ता हुआ वॉशरूम में घुस गया उसके पीछे पीछे। वॉशरूम के अंदर जो देखा उससे ज्यादा डरावना मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ नहीं देखा। बाथरूम में घुसने के साथ ही बाथरूम के अंदर आने का दरवाजा मेरी आंखों के सामने, बाथरूम के अंदर जो टॉयलेट्स थे उनके दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, बाथरूम के शीशे में मैं उस लड़की को भागते और चीखते हुए देख पा रहा था, और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ उस शीशे में ही दिखाई दे रहा था। नवीन जो पेशे से टीवी जर्नलिस्ट है, वो इस एयरपोर्ट की वेटिंग लाउंज में अपने साथी पैसेंजर को इस एयरपोर्ट पर उसके साथ घटे हादसों के बारे में बता रहा था। नवीन के पास एक अन्य नंबर से फोन आया था और ठीक उसी वक्त एक लड़की चीखती हुई उसके पास से गुजरते हुए जेंट्स वॉशरूम में जा घुसी। नवीन भी उसके पीछे पीछे भागा तो वॉशरूम में घुसते के साथ ही बाहर निकलने का दरवाजा बंद हो गया, जो नवीन की कई कोशिशों के बाद भी खुला नहीं। अंदर आईने में वही लड़की चीखती भागती नजर आ रही थी। टॉयलेट का दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो रहा था। नवीन ने हेल्पलाइन पर फोन लगाने के लिए फोन निकाला तो देखा कॉल तब भी चालू था। उसने जैसे ही फोन लाइन डिस्कनेक्ट करी तो उस लड़की का चीखना चिल्लाना, टॉयलेट के दरवाजे का खुलना बंद होना सब रुक गया और वॉशरूम का मेन गेट भी अपने आप खुल गया। नवीन ने बताया कि मैं वहां से भागकर जब आया तो मेरी सांस में सांस आई अपने अगल बगल इतने सारे लोगों को देखकर। तभी उस भीड़ भाड़ वाले माहौल में मेरे कान में एक आवाज आई, हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद, आशा करते हैं आपकी यात्रा सुखद रही, आप हमें दोबारा सेवा का मौका देंगे, धन्यवाद। मैंने पलट कर देखा तो एक टिपिकल हॉरर स्टोरी की तरह वहां कोई नहीं था। अपनी सीट से उठकर मैंने ग्राउंड स्टाफ से मेरी वाइजक की फ्लाइट के बारे में पूछा तो पता चला कि मैंने फ्लाइट मिस कर दी है और एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने मेरे नाम की तकरीबन आधे घंटे तक अनाउंसमेंट करी जो मैंने सुनी ही नहीं। नवीन की सारी बातें सुनने के बाद उसके को पैसेंजर ने कहा, सर आपकी कहानी में दम है, पिक्चर बनाइए हिट हो जाएगी, पर वो बाथरूम वाला सीन ना थोड़ा टू मच था सर। इसमें नवीन ने कहा, टू मच तो था ही, क्योंकि उसी कारण तो मेरी फ्लाइट भी मिस हुई थी। नवीन और वो को पैसेंजर बात कर ही रहे थे कि अनाउंसमेंट हुई, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम फ्लाइट नंबर 681 आर रिक्वेस्टेड टू बोर्ड द फ्लाइट फ्रॉम गेट नंबर 8। उसने कहा, चलिए नवीन साहब हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। तो नवीन ने कहा, हमारी नहीं सिर्फ आपकी, मुझे तो अभी वॉशरूम जाना है। उसने कहा, जाइए जाइए अपने भूतों से मिलकर आइए, हाँ शायद वो आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपसे फ्लाइट में मिलता हूं। इतना कहकर वो
दो कदम ही आगे बढ़ा था और पलट कर देखा तो नवीन वहां था ही नहीं। दरअसल उस एयरपोर्ट के हॉन्टेड होने की खबर को कवर करने के एक वीक बाद नवीन की अचानक ही मौत हो गई। उस एयरपोर्ट से ट्रैवल कर चुके कई और पैसेंजर्स का कहना है कि उन्होंने नवीन नाम के एक जर्नलिस्ट को उस एयरपोर्ट पर देखा है और उससे बातें भी करी है। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। शायद नवीन अब आपका इंतजार कर रहा है।